Hi Dharmesh sir, welcome to the show. How are you sir? Good, how are you? Thank you sir, all well. Sir, क्या लग रहा है मार्केट? जैसे कि लास्ट मार्केट हमें यहाँ से जैसे कि लास्ट टाइम बात हुई थी कि 11,400 का हमारा टारगेट था निफ्टी में था, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अचीव हो गया है 11,320-30 के आसपास निफ्टी देखी हमने, और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार एक कंसोलिडेशन रहेगा जहाँ पे 11,000 से 11,400 का एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगा बाजार में. इन बिटवीन वी बिलीव आई थिंक सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप विच इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट शुड कंटिन्यू दैट ट्रेंड. सो आने वाले दिनों में वी विल सी कंसोलिडेशन इन द रेंज ऑफ 11,000 to 11,400, बट इन बीच में हमें लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप है जहाँ पे ये तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में भी रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा. मिड कैप एंड स्मॉल कैप शुड बी वन इन फोकस फॉर द नेक्स्ट. बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है आपको? बैंक निफ्टी वी बिलीव आई थिंक सो फॉर बैंक निफ्टी अगेन 20,500 रिमेंस टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट इन टर्म्स ऑफ दिस वीक बैंक निफ्टी है रिलेटिवली अंडर परफॉर्म द मार्केट. सो वी बिलीव आई थिंक सो दिस अंडर परफॉर्मेंस शुड कंटिन्यू फॉर बैंक निफ्टी विच पॉसिबिलिटी विल पुट प्रेशर ऑन द निफ्टी इटसेल्फ. सो दैट्स व्यू दैट 20,000 to 20,500 रिमेंस टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. ऑन हायर साइड वी बिलीव 23,000 विल रिमेन एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी. सर कोई स्टॉक्स जो या सेक्टर्स जो आप रेकमेंड करोगे फॉर नेक्स्ट वीक? जैसे कि हमने बोला था कि फार्मास केमिकल्स इंडस्ट्रीज फार्मास एफएमसीजी रिमेन्स टू बी द पॉजिटिव साइड फॉर द मार्केट. वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक्स लाइक डाबर इंडिया ऑन द करेंट लेवल्स, अजंता फार्मा, सन फार्मा, पिडिलाइट, इंफोसिस, हिंदुस्तान जिंक और भारतीय एयरटेल, अदर स्टॉक्स वन शुड बी लुक आउट फॉर.